पिटीशन थी, ये पेपर लेने गए थे और कल दो मरतबा उनसे स्नैच कर लिए गए, छीन लिए गए और पुलिस वाले उस पर मुलव्वस हैं। उनका नाम भी लिया है उमर न्याजी साहब के वाले साहब ने, उसके साथ बन्नू से मलिक पख्तून यार खान, उनको जब पेपर लेने गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह हाफिज फरहत से पेपर छीन लिए गए, इसी तरह हसन न्याजी के कागजात जमा कराने के लिए जेल अथॉरिटीज ने उसको सिग्नेचर कराने से इनकार कर दिया। इसी तरह सनम जावेद, जो हमारी लेडी खातून जो 7 महीने से जेल में है, उसके वालिद साइन कराने गए हैं, उनको जेल अथॉरिटीज ने साइन कराने से इनकार कर दिया। इसी तरह ये भी खबर है कि मेजर ताहिर सादिक और उनकी फैमिली के मेंबरान, उनके तस्दीक कुनिंदा और ताइद कुनिंदा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह शेख वकास झंग से उनके घर पे छापा मारा गया, उनके ऊपर चादर चार दीवारी की पामाली की गई। फिर हमारी लीडर है समयाल से फाखर निशात गुमन, उसके घर में छापा मारा गया और जिस अंदाज से उनके यहाँ चादर चार दीवारी की पामाली हुई, घर को तोड़ा गया, वो सब सामने है। बिलाल उमर बोदला है देबालपुर से, उनके साथ इसी तरह की ज्यादती हुई है। बल्कि आज के अखबार में आप पढ़ लेंगे इम्तियाज चौधरी साहब PP68 से, मंडी बहाउद्दीन से प्रॉबेबली, वो जब पेपर जमा कराने लेने गए नॉमिनेशन फॉर्म्स, उसको PTI का समझ के गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसने कहा भाई मैं तो PTI का नहीं हूं, मैं तो पीपल्स पार्टी का हूं, फिर उसको छोड़ दिया गया। ये है तर्ज अमल। ये इस पे एक मुझे एक छोटा सा लतीफा याद आ रहा है, एक जमाने में कम्युनिस्टों के खिलाफ एक मूवमेंट चल रही थी, उनको गिरफ्तार कर लेते, एक अदीब थे, उसको जब गिरफ्तार करने गए पुलिस वाले तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पर इल्जाम तो मुझे बता दें। उसने कहा तुम कम्युनिस्ट हो? उसने कहा मैं तो, मेरी तहरीरें पढ़ लें, मैं तो एंटी कम्युनिस्ट हूं। उन्होंने कहा एंटी हुए तो क्या हुआ, आप कम्युनिस्ट तो हुए ना। तो उन्होंने ये इसी यही समझ के उन्होंने कहा कि PTI के नहीं हो, PP के हो, चलो P1 तो मुश्तरका है ना, लिहाजा गिरफ्तार कर लिया। ये तर्ज अमल हम इलेक्शन कमीशन को भी बता रहे हैं। इस सिलसिले में हमने लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी पटिशन फाइल कर ली है और इंशाल्लाह आज हम सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन फाइल कर रहे हैं। ये जो तर्ज अमल जारी है ये पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। वाहिद फेडरेशन की अलामत है PTI, उसको क्रश करना और उसको डिसमेंटल करने का मतलब है कि आप पाकिस्तान की रियासत की जड़ें खोखली कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकाइयों को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इन सब का नोटिस कंसर्न फोरम को लेना चाहिए और इन ROs को तब्दील होना चाहिए और कानून और कायदे के मुताबिक हर शहरी का हक है, हर पार्टी का हक है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और उसको पार्टिसिपेशन का मौका मिले। थैंक यू।